जय मसीह की दोस्तों, आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। और आज फिर से मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि प्रभु ने ये मौका दिया कि हम एक साथ फिर से जुड़ सकते हैं परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें करने के लिए। और आज कुछ एक नई विषय की चर्चा जो है, जो आज आज़ादी टीम इस पेज से, इंटरनेशनल इस पेज से जो हम सुन रहे हैं सुबह से, वो है लीडरशिप जर्नी के बारे में। और उसी के विषय में मैं कुछ खास बातें जो आपकी और मेरे लिए, प्रैक्टिकली आपकी और मेरे लिए, हमारी जिंदगियों से जुड़ी हुई बातें हैं, वही बातें आज चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ शामिल हों और बहुत कुछ जानें। और आज जो परमेश्वर ने विषय मेरे दिल में डाला, वो आपकी और मेरे बहुत करीब है, बहुत नज़दीक का है विषय। और ये नहीं कि वो बाइबल के समय की बात है, पुरानी बात है, लेकिन आपके और मेरे लिए क्या प्रभु की योजना है लीडरशिप के विषय में। सबसे पहले आज़ादी टीम का मैं धन्यवाद करते हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए कि यह मौका हमें मिला कि हम आत्मिक बातों पर गौर कर सकते हैं। और जो आज बात हो रही है लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप जर्नी के बारे में, और हम सब जानते हैं कि अलग अलग लीडरशिप के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है। लेकिन जो अलग बात है वो है, हम आत्मिक लीडरशिप की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वे में, कलाम के विषय में। बाइबल हमें जो बताती है कैसे लीडर्स हम बन सकते हैं, कैसे लीडर्स प्रभु ने बनाए, आप और हम मामूली लोग प्रभु कैसे इस्तेमाल कर सकता है आत्मा से भरकर, और कोई योग्यता नहीं बल्कि वो सिंपल और साधारण आपके और मेरे जैसे आम लोगों को पसंद करता है, चाइल्ड लाइक फेथ वाले लोगों को पसंद करता है। अगर आपके दिल में भी इच्छा है, अगर संसार में आप सोचते मैं लीडर नहीं बन सकता, मेरे में वो खूबियाँ नहीं हैं, मेरे में वो काबिलियत नहीं है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप जाने कि परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है और परमेश्वर आपको वो लीडर और वो ऊँचे स्थान पर कैसे ले सकता है। आत्मिक बातों में हम देखें, वचन में हम देखें, गहराई में जाके हम देखें, तो उसी पे मैं चर्चा करूँगी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जितने लोग आप हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु हम सबको आशीष दे। और वचन ख़त्म होने के बाद हम सब कमेंट्स पे बातें और प्रार्थना भी करेंगे। तो मैं खास उसी बात को शुरू करूँगी जो मैं आपको अभी बता रही थी कि दुनिया में बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं और हम हैरान और परेशान हो जाते हैं। किसी जॉब के लिए, किसी लीडरशिप के लिए आपको पर्सनैलिटी चाहिए, किसी के लिए हाइट और हेल्थ चाहिए, किसी के लिए इतना पैसा चाहिए कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो उसकी फ़ीस, कैसे हम वो सब कोर्स करें और उस पोजीशन तक पहुँचें। लेकिन परमेश्वर जो आपको लीडर बनाना चाहता है, साधारण लोगों को, कम पढ़े लिखे, योग्यता नहीं देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, हृदय को देखने वाला परमेश्वर है, हृदय के नज़दीक रहने वाला परमेश्वर है। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि इस तरह से मोड किया जाए कि वो सिर्फ मूर्खों को ही चुनता है, नहीं, वो चाइल्ड लाइक फेथ वाले, आपकी एजुकेशन को, आपके रुतबे को, आपके धन को, उन बातों को नहीं देख के प्रभु देखता है कि हम संपूर्ण हृदय से अगर उसके सामने आते हैं या नहीं, हम्बल बन के। तो वही बात लीडरशिप की जर्नी की जो बात है, लेकिन आपके और मेरे करीब, हमसे जुड़ी हुई जो बातें हैं वही मैं बताना चाहूँगी। कि सबसे पहले मैं बताऊँगी प्रेरितों के काम वाली किताब में से देखेंगे, एक्ट्स में, उसका चौथा अध्याय और उसका 13 और 14 वचन में। यहाँ पर एक घटना है जहाँ पर पतरस और यूहन्ना के बारे में बता रखा है, और बता रखा है कि जितने बड़े बड़े धर्मगुरु थे, बहुत बड़े बड़े जो ज्ञाता थे, शास्त्री थे धर्म के उस समय, वो पतरस और यूहन्ना के कामों को देख के, उनके जीवन को देख के हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? देखें आप, इसमें लिखा है कि वो अनस्कूल्ड और ऑर्डिनरी लोग थे, सिंपल साधारण लोग थे, अशिक्षित लोग थे, मछुआरे थे। और जो ये लोग थे, इनके लिए तो बहुत ही आश्चर्य की बात थी उस समय। हम सब जानते हैं, आज भी हैं ऐसे, अति धार्मिकता के जो पाप है, सेल्फ राइचियसनेस भी एक सिन है। जब हम सोचने लगते हैं मैं ही सिर्फ एक प्रभु का भक्त हूँ और सब अनॉइंटिंग और सब मिरेकल्स तो मुझे होना चाहिए, ये कैसे कर रहा है जो ये जानता ही नहीं, इसने पढ़ा ही नहीं, ये कम पढ़ा लिखा है, ये निर्धन है, ये इस बैकग्राउंड से है, ये कैसे कर रहा है, ऐसे ही ये लोग भी
हैरान हो गए पतरस और यहुन्ना को देख के, क्योंकि वो सोचने लगे ये तो सिंपल लोग हैं, मछुआरे लोग हैं, ये कैसे जानते हैं, ये कैसे करते हैं। लेकिन वहां पर हम देखें, क्योंकि पतरस और यहुन्ना यीशु के साथ रहते थे, साथ रहने से, संगति से, संगति में साथ रहते रहते वो सिंपल जो ऑर्डिनरी लोग थे, जो मछुआरे लोग थे, उनको भी ऐसा साहस आया, उनको भी ऐसा करेज आया, उनके जीवन में भी आत्मा ने ऐसा काम किया कि हम देख रहे हैं कि क्या आश्चर्यकर्म हुआ था कि एक लंगड़ा था और इन्होंने क्या कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, और यीशु नासरी के नाम से चल फिर, और वो लंगड़ा जो है चलने लग गया। ये चमत्कार का काम इन लोगों के ज़रिए हो गया, क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ रहते थे और यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और उसके नाम की अथॉरिटी को वो जानते थे, इसलिए उनसे भी ये चमत्कार हो गया। लेकिन जो उस समय के विद्वान थे, धर्मी थे, शास्त्री लोग थे, वो उनको ताज्जुब हो गया कि ऐसा क्यों हुआ है। आज आप और हम भी यही सोचते हैं, किसी बड़े मिनिस्टर की ओर आशा लगाते हैं, बड़े प्रचारक की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि हमारा चमत्कार इससे मिलेगा, ये बंदा जब हमारे लिए प्रार्थना करेगा तो ज़रूर चमत्कार होगा। अब वो भूल जाते हैं कि वचन क्या हमें बता रहा है, चमत्कार सबके लिए है। प्रभु की लीडरशिप की जो जर्नी है उसको शुरू करने से पहले हम बेसिक से जानें कि आपको भी वो उतनी ही ऊंचाइयों पर इस्तेमाल कर सकता है, आपको भी इस्तेमाल कर सकता है कि बड़ी बड़ी वो शैतानी बंधनों का आप सामना करें, आपको भी वो इस्तेमाल कर सकता है कि बड़े बड़े हीलिंग की बातें आपके ज़रिए से हो, आपको भी वो इस्तेमाल कर सकता है, भले ही आप गुनाहों में हों, भले ही आप कमज़ोरियों में हैं, भले ही आप में कोई योग्यता नहीं हो, भले ही आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं हैं, और भले ही आप धनवान नहीं हैं, भले ही आपकी बैकग्राउंड बहुत ऊंची नहीं है, भले ही आपके पास बहुत सारी डिग्रीज नहीं हैं, या आप थियोलॉजी नहीं पढ़े हो, या आप बाइबिल नहीं जानते हो, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा है कि जब हम उसके साथ रहते हैं, संगति में चलने लगते हैं, तो वो ये सब बातें हमें सिखाने लगता है। और इसी बात में एक मैं रोचक बात बताना चाहूँगी, ये एक सत्य घटना है और गवाही है। आप सब जानते हैं कि मैं जब वचन सुनाती हूँ तो मैं आपसी जीवन से जुड़ी हुई जीवित गवाहियों को बताते हुए बताती हूँ, क्योंकि ये कोई पास्ट की बात नहीं है। जो आप सोचो ये लिखी हुई बातें हैं, ऐतिहासिक बातें हैं, हिस्ट्री की बातें हैं, थियोलॉजी की बातें, मेरा क्या लेना इससे। वो तो यीशु मसीह थे तो ऐसा होता था, वो तो उस समय ऐसे प्रॉफिट्स थे तो ऐसा होता था, ये नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह कल, आज, हमेशा एक जैसा है, और वचन में भी वही सामर्थ्य जो कल थी वो आज भी है। तो मैं आपको बहुत ही साधारण सी एक बात बताऊंगी, लेकिन वो इतनी बड़ी पावरफुल बात है कि आप हैरान हो जाएंगे सुन के। वो ऐसा हुआ कि मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, और वो बहुत अशिक्षित और पशु पालने वाला व्यक्ति था। उसके पास गाय, भैंस और बहुत सारे जानवर थे। गांव में वो रहता था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, सिंपल था, और यहाँ तक कि वो यीशु मसीह के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानता था। और थोड़ा थोड़ा जब उसने जानना शुरू करा, थोड़ा बहुत उसने सुना, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि यीशु मसीह इतना जीवित है और इतना वास्तविक है। तो एक बार क्या हुआ, कुछ ही साल पहले की बात है, पशुओं की बीमारी चली थी और सारे जानवर बीमार हो रहे थे, तो उसके भी गाय, भैंस सब बीमार हो गई, बहुत सारे थे उसके जानवर, सब बीमार हो गए, और दूध देना भी बंद कर दिया, और उसका बिजनेस भी ठप होने लगा, और जानवर भी सारे बीमार होने लगे। और उसको याद आया, क्योंकि वो थोड़ा बहुत बाइबल के कुछ वचन और मसीह के बारे में जानता था, और ये बिल्कुल सशक्त गवाही है, और उसने ये सुना था कि अगर हम विश्वास से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, तो चंगाई मिलती है। तो आप जानते हैं क्या करा उसने, वो गाय, भैंस, बैल के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने लगा वो व्यक्ति, कि यीशु मसीह के नाम में मैं भी मांगता हूँ कि चंगाई मिले। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके सारे जानवर उसी वक्त, ये भी नहीं कि दो तीन दिन में या कुछ महीनों में, एक के बाद एक ठीक होने लगे। यहाँ तक कि ऐसी बात हो गई कि अड़ोस पड़ोसी पूरे गांव में जो और जानवर थे उनके लिए भी दुआ करने इसको बुलाया गया। आप सोच रहे, सोचने की बात है, अशिक्षित व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता,
किसी कन्वेंशन और मीटिंग में वो नहीं गया है, थियोलॉजी कोर्स उसने नहीं पढ़े हैं, बाइबिल मिनिस्ट्री उसने नहीं करी, लेकिन सीधा सरल विश्वास जो बाइबिल कहती है कि चख के देखो और परख के देखो, वही इसने करके देखा है यहाँ कि चलो मैं भी चख के देखता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ। और होते होते पूरे गांव में ये बात माने वो लोग कि यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। अगर हम सिंपल फेथ से, चाइल्ड लाइक फेथ से उसके सामने आते हैं और उससे मांगते हैं, तो वो जानवरों को भी चंगाई मिलने लगी। और इस प्रक्रिया से ये जो घटना हुई, बहुत सारे लोग विश्वास लाए, बहुत सारे लोग विश्वास लाए। अब जो बड़े बड़े प्रचारक हैं, जो बड़े बड़े अपना सेल्फ राइचियसनेस वाला सीन जो मैं बता रही हूँ उस समय से चला आ रहा है, जहाँ ये पतरस और यूहन्ना से चमत्कार हो रहे हैं, तो लोग कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, अशिक्षित लोग हैं, सिंपल लोग हैं, इनके से कैसे हो सकता है। वैसे ही बहुत नामी गिरामी अति धर्मी लोग भी कहने लगे ये कैसे हो सकता है, उन्होंने यकीन नहीं करा। जांच पड़ताल करी और पाया गया कि वास्तव में उनके पशु पक्षियों के डॉक्टर से चेक कराया गया, जानवरों की चेकिंग की, वास्तव में यीशु मसीह के नाम में ऐसी सामर्थ्य कि वो जानवरों में भी चंगाई होने लगी एक के बाद एक, और प्रभु के नाम को महिमा मिले। इस गवाही से मैं सिर्फ ये बात बताना चाहती हूँ आपको कि परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। उसके जो आत्मिक तोहफे हैं वो सब के लिए हैं और मुफ्त में हैं। सब जितने उसके पास आएंगे वो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जो चंगाई ऊंचे मंच पे करोड़ों फॉलोवर वाला बोल रहा है, वही चंगाई आपकी और मेरे लिए भी है। वही चंगाई अशिक्षित के लिए भी है, वही चंगाई बच्चे के लिए भी है, वही चंगाई बुढ़े के लिए भी है, और वही स्त्री के लिए भी है, वही पुरुष के लिए भी है। क्योंकि कोई भी भेदभाव प्रभु नहीं करता है जब वो आत्मिक रीति से आपको उठाना चाहता है और लीडर पद पर पहुँचाना चाहता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार ये व्यक्ति जिसमें लीडरशिप की कोई भी क्वालिटी नहीं है, वो गांव में ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं है, उससे पढ़े 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 लिखे होशियार लोग, डॉक्टर जो चीज़ नहीं कर सक रहे हैं, उस चीज़ के लिए भी प्रभु उसे इस्तेमाल कर सकता है और प्रभु के नाम को महिमा मिले। इसके बाद मैं इसी बात पर फिर से आऊँगी कि हम सब जानते हैं कि वह लंगड़ा व्यक्ति था और पतरस और यूहन्ना ने बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए, सोना चांदी तो नहीं है, यीशु नासरी के नाम से चल फिर, और वो लंगड़ा चलने लगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर उन्होंने कहा हमारे पास देने के लिए धन नहीं है, लेकिन जो देने के लिए है वो इतनी बड़ी चीज़ है कि कितना भी धन वो खर्च कर सकते, तो वो जन्म के लंगड़े को ठीक नहीं करा जा सकता है, और कुछ ना कुछ कमी रह जाती। लेकिन इसके बाद देखा वो उछलने लगा, कूदने लगा, चलने लगा लंगड़ा, अनस्कूल सिंपल पर्सन्स पे, पर प्रभु ने ऐसा अनुग्रह करा। तो आप और हम इनकरेज हों, अगर आप सोचते हैं कि मेरे में कोई लीडरशिप योग्यता नहीं है, मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे दुआ करनी नहीं आती, मुझे वर्शिप गाना नहीं आता, मुझे लीड करना नहीं आता, मुझे बाइबल समझ में नहीं आती, बोलते हैं बहुत सारे युवा, हर कोई बोलता है जब शुरू में, हर एक चीज़ हर किसी को नहीं आती। लेकिन यहाँ अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर आपको वहाँ से चुनता है, शुरुआत से, जिस जहाँ से शुरुआत में आपको कुछ भी नहीं आता था, मगर जब वो सिखाता है सिखाता है सिखाता है। आप सब जानते कलाकार को क्या चाहिए होता है, प्लेन कैनवस चाहिए होता है, साफ, जिसमें कुछ भी नहीं हो शुरू में, ताकि वो अपने मनपसंद उसमें डिज़ाइन बना सके। और प्रभु के हाथ में हम कुम्हार हैं, मिट्टी की तरह हम हैं, वो कुम्हार है हमारा, तो वो क्या चाहता है, जैसे मिट्टी है लचीली हो जाए, मोल्ड हो जाए, जिस आकार में दे वैसे बन जाए, वैसे ही परमेश्वर हम्बल लोगों को चुनता है, दिल के मुलायम लोगों को चुनता है कि वो जैसे मोल्ड करे, जैसे वो सिखाता चला जाए, वैसे वैसे हम उसके ज्ञान और उसकी सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं। उसके बाद मैं अगली बात बताना चाहूँगी कि जब ये सोचने लगे, जो उस समय के बड़े बड़े विद्वान थे, शास्त्री थे, वो सोचने लगे कि ये अनक्लीन लोग, ये ऐसे जो जानते नीग्रो इग्नोरेंट लोग जो हैं, इन्हें कुछ नहीं मालूम, ये कैसे चमत्कार कर रहे हैं, ये जिनके में ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है कुछ भी, वो कैसे चमत्कार कर रहे हैं। आज भी सोचते हैं लोग, तो मैं बताऊँ कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे थे वो, क्योंकि वो यीशु मसीह की संगति में रहे थे। इस बात को देखिए, इस आयत में लिखा है प्रेरितों के काम 4:13-14 में,
वो ऐसा लिखा है कि अनस्कूल और सिंपल लोग थे, लेकिन वो ये लोग थे, वे जान गए कि ये तो वो हैं जो यीशु मसीह के साथ रहते थे। जब हम मसीह की संगति में रहते हैं, संगति का प्रभाव आप वो देखते हैं ना, बुरी संगति बिगाड़ देती है, अच्छी संगति अच्छा बना देती है। यहाँ तो संगति मसीह की है, जिससे अच्छी कोई संगति ही नहीं है। जो मसीह की संगति में रहते हैं वो भी वही काम करने लगे जो मसीह करता था, ऐसे आत्मिक तोहफे उनको मिले। और मैं बाइबल में से बताऊंगी, कुछ और बातें बताऊंगी आपको इनकरेज करने के लिए। और इस वचन के साथ मेरा आज का जो मैसेज है वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं बाइबल स्टडी बता रही हूँ आपको, ज्ञान बता रही हूँ कि बाइबल में ऐसा ऐसा लिखा है, हमें ज्ञान हो, नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि हम कैसे इंस्पिरेशन लें, हम कैसे तैयार हों। आज अभी और इसी वक्त हम अपने दिलों को खोलें, प्रभु को अपने दिल में काम करने दें, और कितना अच्छा हो कि कल से परसों से हम ऐसे तैयार हों कि हम भी कहें, मेरे पास देने के लिए तो नहीं है सोना चांदी, लेकिन यीशु मसीह के नाम में मैं चंगाई देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में तेरी समस्याएं हट जाएं, यीशु मसीह के नाम में शैतान भाग जाए और वो काम होने लगे। आपको प्रभु आत्मिक लीडर बना के खड़ा करे, कितनी आनंद की बात, कितनी आशीष की बात। तो उसी बात को मैं बताना चाहूँगी कि बाइबल में और भी बहुत सारी बातें हैं कि प्रभु कैसे लीडर्स को चुनता है। यहाँ तो मैंने अभी एक ही उदाहरण बताया है, लेकिन हम और बातों पे चर्चा करेंगे इनकरेजमेंट के लिए और वचन के साथ। ये नहीं कि सिर्फ हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, अपने को तैयार करें, दिलों को खोल के परमेश्वर को आने दें अपने दिल में, और सीखें इस बात से कि जब वो इनको इस्तेमाल कर सकता है तो आपको और मुझे भी कर सकता है। ये तो उस समय की बात है जिस समय इन लोगों के पास कोई भी सुविधा नहीं थी, लेकिन आज आपके पास, मेरे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, वचन है लिखा हुआ हमारे पास, प्रभु के बारे में जानने वाली बहुत सारी बातें हैं, कनेक्ट होने के लिए है, प्रभु की संगति में रहने के लिए। और कितनी आशीषित बात है कि ऐसी बीमारी है कि हमें घर में रहने को बोला है, फिर भी हम लोग कनेक्टेड हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आत्मिक बातें और भी ज़्यादा कर रहे हैं, पहले से भी ज़्यादा आत्मिक बातों के बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें प्रभु मौका दे रहा है। लेकिन उन लोगों के पास ये नहीं था, फिर भी प्रभु ने उन्हें चुना। तो आपके और मेरे लिए इनसे भी ज़्यादा मौके परमेश्वर ने रखे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे, और आगे देखेंगे मैं बाइबल में और क्या उदाहरण हैं जो बहुत हैरान करने वाले। हमने बहुत बार पढ़ा होगा बाइबल, जब हम पढ़ते हैं बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह से कई बार हम ध्यान नहीं देते इस बात पे। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, और वो बात यह है कि प्रभु जिस साधारण लोगों को इस्तेमाल करता है उसी का एक वर्णन है, ये भी एक्ट्स की किताब में है, प्रेरितों के काम में, और उसका 22वां अध्याय और उसका 12 और 13 वचन। 12 और 13 वचन जब हम देखेंगे, यहाँ पर उस घटना का वर्णन है, मैं थोड़ा पढ़ूंगी फिर घटना बताऊंगी आपको, कि हनन्या नाम का व्यवस्था के अनुसार भक्त मनुष्य था, जो वहाँ के रहने वालों सब यहूदियों में सुनाम था, मतलब अच्छा नाम प्रतिष्ठा थी उसकी। वो मेरे पास आया और खड़ा होके मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरी आंखें खुल गई और मैंने उसे देखा। प्रेरितों के काम 22:12-13। और ये घटना वो घटना है जब शाऊल अंधा हो गया था और वो देख नहीं पाता था, और यह हनन्या नाम का व्यक्ति प्रभु ने भेजा था, प्रभु की अगुवाई से गया था, और इसने जब दुआ किया, उसको कहा, वो कहा ऑर्डर कि देखने लग भाई शाऊल, और वो देखने लगा। इसमें खास इम्पोर्टेंट बात क्या है, क्या आप जानते हैं हनन्या कौन था, क्या था, बाइबल में इसके बारे में क्या बताया? क्या बहुत बड़ा प्रचारक था वो, बहुत सारे करोड़ों फॉलोवर थे उसके, बहुत नामी गिरामी प्रॉफिट था वो? नहीं, इसका इसका जिक्र इस प्रकार से नहीं है बाइबल में। इसके विषय में बताया हुआ है कि वो एक भक्त मनुष्य था, यानी धर्मी व्यक्ति था, और रिस्पेक्टेड था, नाम था उसका, अच्छा नाम था, अच्छे नाम का व्यक्ति था, प्रभु का भक्त था, अच्छे नाम वाला, अच्छे चरित्र वाला था, बस इतनी ही बात थी। और करा क्या उसने, इतना बड़ा काम, शाऊल को कहा कि देखने लग, और वो देखने लगा, उसकी आंखें खुल गई। और शाऊल जो पौलुस हुआ आगे चल के, हम सब जानते कितना बड़ा वो प्रभु का शागिर्द हुआ, कितना कितना कुछ नहीं किया पौलुस ने, आप सब जानते, उसके विषय में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है।
तो आज के दौर में लोग ये सवाल कर सकते हैं कि ये कहानी कुछ उल्टी नहीं हो गई? पौलुस जो इतना बुद्धिमान था, इतना पढ़ा लिखा था, जो ये सब कुछ था, होना तो ये चाहिए था कि ये किसी साधारण व्यक्ति को चंगाई देता, लेकिन हुआ ये है कि हनन्या जो एक सिर्फ धर्मी था व्यक्ति और अच्छे नाम का था, वो इसको चंगाई दिया। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, और पूरी बाइबल इस बातों से भरी पड़ी है, कितने चरित्रों से भरी पड़ी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मूसा के चरित्र को हम सब जानते हैं, जो कहता था मैं तो जुबान का हकला हूँ, मैं क्या बोलूँगा, मैं क्या कहूँगा, मैं कैसे जाऊँगा, कौन मेरा यकीन करेगा, कितने सारी बातें बोली। लेकिन सब जानते हैं कि इस प्रकार का लीडर मूसा को बना के खड़ा करा प्रभु ने। अब आप और हम हो और दुनिया का कोई भी व्यक्ति, तो वो क्या कहेगा, भाई ऐसे व्यक्ति को रखो जो कम से कम बात तो कर सके। क्या कराएंगे उसे? कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, ये कोर्स करो पहले, वो कोर्स करो, अपना एक्सेंट अच्छा करो, अपना फ्लुएंसी अच्छा करो। ये सब कहते हैं आज के लोग, नेता बनने के लिए सब कुछ चाहिए उनको, शक्ल भी चाहिए, हाइट हेल्थ पर्सनैलिटी भी चाहिए, स्पीच भी अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, सब कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। लेकिन यहाँ यहाँ क्या होना चाहिए? सिर्फ नम्र बच्चे के समान, जैसे पिता की उंगली पकड़ के चलता जाता है बच्चा विश्वास के साथ, वैसे ही प्रभु चाहता है आप और मैं जब उसका हाथ पकड़ के चलने लगे, तो वह आपको भी बड़ी बड़ी लीडरशिप जर्नी में लेके चलेगा। और वो बार बार आपसे वायदा कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्तों को आसान बना दूंगा, बड़े बड़े अथॉरिटी वाले लोगों के दिल को मुलायम कर दूंगा तेरे लिए। आप जानते हैं, जब हम प्रार्थना करके जाते हैं, सबने अनुभव किया होगा, बाइबिल की बातें हैं, वो वायदे हैं, वो कोई झूठी हवाई बातें नहीं है कि इंसान की तरह डायलॉग मारी और फिर भूल गया इंसान। परमेश्वर की बात है, ऐसा हो नहीं सकता वो कहे और ना करे। कभी भी आप परख के देखें, आप नई जगह में आए हैं, किसी को आप नहीं जानते हैं, लेकिन नीचे चपरासी से लेके बड़ा ऑफिसर तक का दिल मुलायम है आपके लिए। करोड़ों लोगों के साथ वो स्वभाव नहीं है, वो बर्ताव नहीं है जो आपके साथ है। क्यों? क्योंकि आप जब प्रार्थना करके आए हैं, वो वचन क्लेम करके आए हैं, तो वो वास्तव में प्रभु आपके लिए रास्ता बना रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। जब वो आपको आत्मिक वरदान देखा तो आप देख भी सकते हैं, जब आपकी आत्मिक आंखें खुलें तो आत्मिक चीजें देख भी सकते हैं। आपकी प्रभु का अनुग्रह कितना बड़ा है, मैं घिरा हुआ हूँ चारों ओर से परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी रोशनी से, उसके प्रकाश से, और स्वर्गीय चीजें हमारे लिए रास्ता बनाती हैं अद्भुत तरीके से। तो मैं उसी के बारे में आपको वचन में से एक और बात बताना चाहूंगी, बहुत इंकरेजिंग बात, और वो है पहला कुरंथियों, उसका पहला अध्याय और 26 से 29 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। देखा आपने, ना ज्ञानवान, ना सामर्थी, ना अच्छे ऊंचे कुल का, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया है कि जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर सके। अब इंसानी बुद्धि से सोचेंगे तो कहेंगे, क्यों मूर्खों को चुना? जब इंटेलिजेंट आदमी आपके सामने, आप मूर्ख को क्यों चुन रहे हो? तो उसका आंसर भी इसी में है, ताकि कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। आपने सुना, देखा होगा बहुत लोगों को, मैंने ये कर दिया, मेरी दुआ से इतने लोग ये हो गए, हीलिंग दे दी मैंने, दे दी मेरी सभा में इतने दुष्ट आत्मा मैंने निकाल दी, घमंड की बातें। उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर की वो सामर्थ्य चली जाती है उनके पास, फिर वो हो सकता है ढोंग में दिखाते रहे, लेकिन प्रभु का वचन तो हमें यही बता रहा है कि करने वाला परमेश्वर है। ना हम किसी को अच्छा कर सकते हैं, ना हम किसी को बीमार कर सकते हैं,
सब कुछ परमेश्वर है करने वाला, तो उसके सामने दीन बन के हमने आना है, क्योंकि प्रभु का काम ऐसा है, परमेश्वर का प्रेम ऐसा है, वो जगत के मूर्खों को चुन लेता है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे। इसका मायने ये नहीं है कि वो मूर्ख को मूर्ख ही बना रहने देता है, अनक्वालिफाइड को चुन के क्वालिफाइड बनाता है परमेश्वर। जब चुनता है, जैसे हम अभी बता रहे हैं, कैनवस जब हम चुनते हैं तो खाली वाला ही चुनते हैं, जिसमें ऑलरेडी पहले से पुता हुआ होगा दुनिया भर के रंग, उसको हम नहीं चुनते, हम साफ चुनते हैं ताकि हम उस पर काम कर सकें। ऐसे दिल साफ करके, बुरी बातों को हटा के, धो के जब सामने आते हैं तो प्रभु का काम होता है। और भले ही मन कितना गंदा क्यों ना हो, उसके विषय में भी बताता है कि यीशु का रक्त हमें साफ करता है, और वो कहता है कि तुम्हारा पाप चाहे किरमिजी लाल भी क्यों ना हो, रक्त के समान लाल भी क्यों ना हो, मैं धो के हिम की तरह, बर्फ की तरह सफ़ेद कर दूंगा। इतना बड़ा वायदा परमेश्वर का है। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि मूसा जो था वो था चरवाहा, उसको इतना बड़ा लीडर बना के प्रभु ने चुना, जो कह रहा है मैं तो अकेला हूँ जुबान का, मुझे बोलना नहीं आता, उसको परमेश्वर लीडर बना के चुन रहा है। आप और मैं सोचेंगे क्यों नहीं चुन रहा बोलने वाले को, इसको पहले स्पीच थेरेपी कराओ तो हकलाहट दूर हो तभी इसको चुनना, नहीं तो नहीं। या कम्युनिकेशन स्किल्स करें, पहले कोर्स करिएगा। आपने देखा होगा पहले कितने सारे कोर्स की आपको सलाह दे देते हैं पहले कि तब हम चुनेंगे अपने काम के लिए, लेकिन प्रभु कहता है मैं तेरे मुंह में शब्दों को डाल दूंगा। और उसके भाई हारून को भेजा था बोलने के लिए, जो जुबान का अच्छा था। इस प्रकार प्रभु रास्ते खोल के वैसे ही बना के अनुकूल परिस्थितियों में हमें भेजता है। बिल्कुल याद रखने की बात है, अगर प्रभु आपको लीडर बनाता है, अगर उस जर्नी में वो चल रहा है, तो वो आपको अकेले नहीं छोड़ता, फिर उसमें वो उसके आपके साथ रहता है। और वो बार बार कितनी बार, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, आप कितनी बार पढ़ेंगे बाइबल में ये बात, 365 बार मत डर मत डर, हर दिन के लिए एक दिन, 365 दिन है आपके साल में, प्रतिदिन के लिए एक बार मत डर, फिर भी डर रहे हैं। और लीडर बनने के नाम पे तो हम पीछे हो जाते हैं कि मेरे को तो कुछ नहीं आता प्रभु, मैं क्या करूँगा, लेकिन यहाँ प्रभु का काम कुछ अलग है। और उसके बाद मैं बता रही हूँ, मूसा को चरवाहे के रूप से चल के निकाला प्रभु ने, डैनियल को गुलामी में से निकाला वहाँ से, ताकि वो इतने बड़े काम के लिए इस्तेमाल करे। पतरस और यहोन्ना को हमने देखा, मछुआरे थे, उनको इस्तेमाल कर दिया इतने बड़े काम के लिए, चंगाई के लिए। ऐसे ही आपको भी कर सकता है। इन्हीं नामों में अगला नाम आप अपना भी जोड़ के देखें कि मैं जो ये नहीं जानता वो नहीं जानता, जिसे ये नहीं आता वो नहीं आता, जिसे कोई लोग पसंद नहीं करते, जो गुनाह में फंसा हुआ हूँ, जो बीमार हूँ, जो परेशानी में हूँ, जिसके पास अच्छी जॉब नहीं है, जो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु आपको चुन सकता है और लीडर बना के खड़ा कर सकता है। और वो कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। उसका हाथ पकड़ के थाम के चल के देखें, उसकी रास्ते पर चल के देखें, उसकी ओर निगाह लगा के देखें, और ताकि हम घमंड ना करें। ये बात इसलिए है कि प्रभु ने ऐसे लोगों चुना। और मैं बताना चाहूँगी कि क्यों करता है परमेश्वर ऐसा काम, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक और बात, एक और घटना का हम जिक्र पढ़ेंगे। ये है प्रेरितों के काम 5वां अध्याय, प्रेरितों के काम 5:15-16 आए। इसमें इस प्रकार लिखा है, इतनी हद थी, इतना बड़ा इस्तेमाल किया प्रभु ने कि यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर लाके खाट पे लिटा देते थे, पलंग पे लिटा देते थे, कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उन पे पड़ जाए। पतरस साधारण इंसान, अन स्कूल पर्सन, सिंपल मछुआरा, मछली पकड़ने वाला, उसकी छाया पड़ने से क्या हो जाएगा आप और मैं सोचेंगे। लेकिन इतनी पावर प्रभु की, इतनी सामर्थ प्रभु जब इस्तेमाल करता है किसी को भी, मूर्ख को भी, कैसे को भी, ऐसी सामर्थ देता है कि ना केवल वो प्रार्थना करे हाथ रख के, ना केवल वो उपवास प्रार्थना करे, ना केवल वो कुछ करे, कहीं उसकी छाया ही पड़ जाए, ये कह रहे हैं। तो यरूशलेम के आसपास के नगर से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। ये बाइबल का वचन है, प्रेरितों के काम 5:15-16। न केवल वहाँ के नगर के दूर दूर से बीमारों को और अशुद्ध आत्मा, इविल स्पिरिट, जिसे आप
सुनते हैं बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें, समझते नहीं वो ये इविल स्पिरिट की बात, शैतानी है, तंत्र मंत्र है, क्या 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 इलाज करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ परमेश्वर इस सीधे साधे बंदे को इतना इस्तेमाल करा, इतना इस्तेमाल करा, क्योंकि वह प्रभु की संगति में रहता था, क्योंकि उसको यीशु मसीह के नाम में विश्वास था, क्योंकि वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। ये वही पत्रस है जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया था। याद है आपको वो घटना कि मैं इसको नहीं जानता, कसम खा के कह रहा था मैं नहीं जानता यीशु मसीह को, डर के मारे। लेकिन कुछ ही दिन बाद जब प्रभु का पवित्र आत्मा उस पर आया और वो ऐसा इनकरेज्ड हो गया, आप सब जानते हैं कि जब उसने बोला, बोलने से 3,000 से अधिक लोग आत्मा से भर गए, लपटे आ गई उनके ऊपर, अदर टंग्स बोलने लगे वो सब लोग, चाहे वो किसी जाति के हों, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चा हो, इसी जुबान से जिसने झूठ बोला, झूठ बोलने वाली जुबान से प्रभु ने उसी जुबान को ऐसी सामर्थ्य दी कि 3,000 लोग एक दिन में आत्मा से भर गए, यकीन लाए प्रभु में। मेरा कहने का मायने ये है कि जब ऐसे मछुआरे को, सिंपल आदमी को आत्मा की प्रेरणा से जब वो भरता है, इतना बड़ा इस्तेमाल हो सकता है, आप और मैं इमेजिन नहीं कर सकते। अगर ऐसा शायद हमारे सामने होता तो हम भी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हम तो नहीं रखेंगे अपने मरीज को उसके सामने कि छाया पड़ जाए तो वो ठीक हो जाए, मैं कहेंगे कि नहीं। लेकिन ये घटना है कि ऐसा हुआ था वास्तव में। अशुद्ध आत्माओं से भरे हुए लोगों को, बीमार लोगों को, दूसरे दूसरे नगरों के भी लोगों को लाके रखते थे कि पतरस की छाया पड़ जाए तो वो ठीक हो जाए, और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे, सब सब अच्छे हो जाते थे, एक दो नहीं कि आधे हो गए आधे नहीं हुए, सब अच्छे होते थे। इतना प्रभु का उनके ऊपर अनॉइंटिंग था, इतना अनुग्रह प्रभु का था, और ऐसे उन्होंने लीडर बना के खड़ा करा। उसके बाद ही आगे मैं बताना चाहूँगी इसी बात को आगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना मजबूत तरीके से परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया, क्योंकि प्रभु ने उनको ये जाना कि ये सिंपल लोग हैं और चाइल्ड लाइक फेथ से मेरे पीछे चलने वाले हैं और मेरे अच्छे शागिर्द हैं जिन्हें मैं बहुत आज से इस्तेमाल करूँगा। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी यहाँ पे कि प्रभु हर एक को इस्तेमाल करता है, जैसे हम जानते ना, तो वो ऐसा तो नहीं है कि आदमी को ज़्यादा अनॉइंटिंग देता है औरत को कम, या औरत को ज़्यादा आदमी को कम, या बच्चे को कम। अंत के दिनों में अपना आत्मा बहुत आयत से उड़ेलूँगा, ऐसा वायदा है परमेश्वर का सब पर। और एक और वचन पे ध्यान देना चाहूँगी, वो भी है 1 कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय और 4 और 5 आयत। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और मेरे वचन और प्रचार में ज्ञान की लुभावनी बातें नहीं पर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। लुभावनी बातें नहीं, आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। जान रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, पूरी बाइबल कितने कितने बार आप पढ़े होंगे, कितने बाइबल स्कूल्स, थियोलॉजी सेमिनरी आप अटेंड करते हैं, कितना आप कन्वेंशंस जाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी डिग्रीज आपके पास हैं, वो आपको ज्ञान तो दे सकती है, अवश्य ज्ञान देगी, बहुत अच्छी बात है। प्रभु का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, जो परमेश्वर ने रखा है वो हम जाने, अंदर तक बातों को जाने। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 कुरिन्थियों 2:4-5, तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आप अपने ज्ञान पर निर्भर रह के चमत्कार नहीं कर सकते हैं, और परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रख के ये बंदे ये काम कर रहे हैं तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं, जब चरवाहे लोग कर सकते हैं, जब जुबान से हकला मूसा बोलना नहीं आता जब वो कर सकता है, जब मछुआरे लोग कर सकते हैं, अनस्कूल सिंपल पर्सन जिन्हें कहा गया है वो कर सकते हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम हर एक बात के लिए बहुत बड़े बड़े प्रचारकों को ढूंढते हैं? मैंने व्यक्तिगत रीति से ये बहुत बात अनुभव की है, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ आपको कि हम समझें उस बात को, कि बहुत सारे लोग हम सोचते हैं हमारे मेल लिखने से या बड़े बड़े डोनेशन देने से
पक्की बात है कि मेरा मिरेकल आ जाएगा। मैंने सुना लोगों को, मैं हर महीने चंदा देता हूँ, मैंने हर महीने दिया है, उन्होंने ये वचन मुझे भेजा है तो ये होगा। अवश्य है कि प्रभु के अभिषिक्त हैं, हम ज़रूर उनके साथ प्रार्थना करें। प्रेयर वॉरियर्स हैं हमारे, हमें साथ मिलकर प्रार्थना करनी है, ज़रूर करना है। मेरा कहने का मायने सिर्फ ये है कि हम खुद क्यों नहीं कर सकते कोई भी चीज़, जब ये सारे लोग तो खुद कर रहे थे ना, ये तो किसी और से तो नहीं कह रहे थे जाके कि तू आ जा, तू कर ले, मैं तेरे पीछे संग संग चलूंगा, मैं तुझे दान दे दूंगा, तू मेरे लिए कर। बल्कि खुद बाइबिल बार बार क्या कह रही है, चख के देखो, परख के देखो। और प्रभु बार बार क्या कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु क्या कह रहा है, यदि विश्वास करोगे तो जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो हम क्यों नहीं ट्राई करते कभी करने के लिए, हो सकता है ट्राई करके देख सकते हैं। तो आप देखें आज, क्योंकि वो वचन आपको कह रहा है ना कि चखे देखो, परख के देखो। इसको चखने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है कि ट्राई करो, प्रभु भला है, चखे देखो। वो वरदान जो उसने आपके लिए रखे हैं, वो आत्मा की तलवार जो उसने आपके लिए रखी है, वो पड़े पड़े जंक ना खा रही हो कहीं, उसको इस्तेमाल करते रहे, उसको काम में लाते रहे। जैसे इंजन है गाड़ी का, आप चलाओगे नहीं तो जाम हो जाएगा, जैसे हथियार है करोगे नहीं तो ब्लंट हो जाएगा, वैसे ही ये आत्मा के हथियार प्रभु ने आपके लिए रखे हैं और आपको पता ही नहीं है कि मेरे लिए भी है। वो चंगाई प्रभु आपके जरिए भी दे सकता है, वो ये सारे कोई ना कोई वरदान होंगे जो प्रभु ने आपके लिए इस्तेमाल करने के लिए रखे हुए हैं। और वो कहता है कि मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मेरे पीछे पीछे तुम्हें सिर्फ चलना है, मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर। और इसके बाद ही एक और बात मैं बताना चाहूँगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये वाली, जो है लूका 10 और उसका 21वां वचन। यहाँ पर एक टैक्स कलेक्टर की भी बात बताऊंगी मैं, जो था चुंगी लेने वाला, ये लूका। और वो चुंगी लेने वाला काम था, टैक्स का था, तो उस समय वो बहुत अच्छा पेशा नहीं माना जाता था, और लोग कहते थे पापियों के साथ मसीह रहता है, घूमता है, खाता है। लेकिन प्रभु ने नीच लोगों को, नम्र लोगों को, मूर्खों को, अज्ञानियों को चुना ताकि वो हमें सम्मान दे। और यहाँ लूका 10:21 में देखो ये लिखा है, जिस पे मैं ध्यान देना चाह रही थी। उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया, पवित्र आत्मा में होके आनंद से भर गया, और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने ये बात ज्ञानियों और समझदारों से छिपा के रखी और बालकों पर प्रकट की, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। ज्ञानियों और समझदारों से तो छिपा के रखी और बालकों पर प्रकट करी प्रभु ने अपनी बात। और आप सोचेंगे बालकों को क्या जानकारी है, उनको क्यों प्रकट करी प्रभु ने, क्योंकि प्रभु वही चाइल्ड लाइक फेथ चाहता है, परमेश्वर चाहता है जैसे बच्चे होते हैं। आपने देखा है, हम सब जानते हैं बच्चे कितने भोले होते हैं, कितना उन्हें कोई चिंता नहीं होती, और वो सोचते हैं मेरा माँ बाप है, जहाँ ले जाएगा, जहाँ कहेगा मैं चलने लगूंगा। हम अब्राहम की कहानी में देखते हैं कि उसका बेटा साथ साथ चल रहा है, उसे पता नहीं कि ये मेरी बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं, और वो साथ साथ चल रहा है, क्योंकि इतना यकीन परमेश्वर चाहता है कि आपका मेरा हो, जैसे पिता और पुत्र का संबंध, जैसे पिता और पुत्री का संबंध, कि हम बच्चों के समान उंगली पकड़ के चलने वाले हो जाएं, और विद्वानों को, समझदारों को नहीं, पर सिंपल लोगों को परमेश्वर चुनता है। और क्यों चुनता है, ताकि वो हमें ट्रेन कर सके, उसी रास्ते में वो हमको शिक्षा दे सके, जब हमारा दिल खाली है, हम बच्चे के समान हैं। आप जानते हैं बच्चों को सिखाना आसान होता है कोई भी बात, जब हम कोई नया चीज़ सिखाते हैं वो भोले मन से सीखते, समझते, ग्रहण करते और यकीन करते हैं। आप कभी भी देखना, आप बाइबल की कोई भी कहानी जब हम सुनाते हैं छोटे बच्चों को, उनके मनों में बैठ जाती है बिल्कुल, और कुछ दिन बाद वो उससे संबंधित कोई भी सिमिलर बात आती है तो वो बच्चा कहता है कि हाँ, उस कहानी में आपने बताया ना, बाइबल में ऐसा हुआ, और वो बिल्कुल यकीन करते हैं हर बात पर जो माँ और बाप मुझे कह रहा है, सच है और ऐसा होगा। चाइल्ड लाइक फेथ, और चमत्कार होने लगते। मैं पहले भी बता चुकी आपको कितनी गवाहियाँ छोटे बच्चों के जरिए, छोटे छोटे बच्चों को स्वर्गीय दर्शन, छोटे छोटे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं तो चंगाई, बड़े बड़े मिरेकल्स। और उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस, यमुन्ना,
और जितने भी ये शागिर्दों की अभी मैंने बात बताई, ये सिंपल लोग हैं लेकिन प्रभु ने इन्हें इस्तेमाल करा। और दूसरी बात हमने बताई अभी, ये हन्ना की बात आपको बताई, अनन्यास जब गया और साउल के पास गया तो किस प्रकार परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करा। इसलिए आप उसके साथ, प्रभु के साथ नम्र होके आए ताकि वो आपको उचित समय पर बढ़ाए। प्रभु का वचन क्या कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्र रहकर आओ ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अब एक खास बात जो मैं सबसे खास बात बताऊंगी, वो स्वयं यीशु मसीह के बारे में है। यीशु मसीह के बारे में क्या बात है वो देखें, मरकुस अध्याय 6 और उसकी 1 से 4 आयत तक, 1 से 4 वचन में इस प्रकार लिखा है। वहां से निकल के वो अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। सब्त के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई और ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है और कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं, क्या यही बढ़ई नहीं है वो जो मरियम का पुत्र है और याकूब और योसेस और यहूदा और शमोन का भाई है, और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती। इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा कि भविष्य वक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ के कहीं भी निरादर नहीं होता। मरकुस 6:1-4 बहुत ही गहरी बात है अगर हम इसे ध्यान से देखें। स्वयं यीशु मसीह को ये बात कह रहे हैं, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है, क्या ये मरियम का बेटा नहीं है, क्या ये वही यीशु नहीं है जो ये यहाँ रहता था, इसको ये ज्ञान की बातें कैसे आई, इसको किसने बताया। यीशु मसीह को कह रहे हैं ये बात, और यीशु मसीह कह रहा है भविष्यवक्ता का अपने ही घराने में अपने ही स्थान पर आदर नहीं होता और बाकी सब जगह कहीं भी निरादर नहीं होता। बहुत सच बात है ये, बहुत सच बात। जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, जब आप आत्मिक रीति से बढ़ते हैं, जब आप आत्मिक बातें करने लगते हैं, जब प्रभु आपको लीडर बना के खड़ा करना चाहता है, तो ये सब बातें सुनाई देती हैं आपको, आपके भाई, आपकी बहन, आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके कॉलेज के साथी, आपके ऑफिस के साथी, वो क्या कहेंगे, बहुत बड़ा भारी प्रचारक बना हुआ है, बड़ा लीडर बन रहा है, या कहेंगे इसका दिमाग फिर गया है, पागलपने की बातें करता है। क्योंकि आत्मिक बातें जिसने चक्के नहीं देखी, जिसने परख के नहीं देखी, उसके लिए मूर्खता की बातें हैं। बाइबल बार 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 बताती है कि जिसने नहीं चखा उसके लिए मूर्खता की बातें हैं। क्रूस की कथा ना जानने वालों के लिए मूर्खता की बातें हैं। आप विजन की बातें कहो वो कहेंगे पागल है, साइकोलॉजिकली दिमागी कुछ खराबी है। आत्मिक बातें कहें तो ये कहेंगे, कई लोग तो चंगाई भी पा लेंगे फिर भी वो कहेंगे कि नहीं ये तो ऐसा हुआ था, बाई चांस ठीक हो गया था, फलाना हो गया था। इंस्टेंट हीलिंग के बावजूद, मैं स्वयं व्यक्तिगत रीति से एक स्त्री को जानती हूँ जिनके ऊपर बहुत बड़ा दुष्ट आत्मा का प्रभाव हुआ था काफ़ी वर्ष पहले, और उन्होंने खुद मुझे ये बताया, वो मसीह को नहीं जानती थी और सब कुछ उन्होंने कहा उपाय उस छुटकारा पाने के लिए। वो ऐसे हो गए कि दीवार में देख रही तो दीवार में ही देखती रहती थी, खाना पीना भूल जाती थी, बच्चों को अपना बच्चों की जिम्मेदारियां खिलाना नहलाना कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा हो गया था उनको आत्मा के वश में शैतानी असर से कि वो बिल्कुल हो गई ऐसी। और सारे डॉक्टर्स ने चेक कर लिया, सारी चीज़ नॉर्मल आती थी, कोई बीमारी नहीं निकलती थी। तंत्र मंत्र झाड़ फूक, जिसने जो कहा सब कुछ करा, संपत्ति लुटा दी कर करके, जहाँ जहाँ जिसने पैसा मांगा, जिसने उपाय बताया, जिसने टोटका बताया, सब कुछ करा, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। दिन भर अकेली कुर्सी पे बैठ के दीवार को देखती रहती थी। हस्बैंड और बच्चे सोचने लगे, परेशान हो गए, महीनों बीत गए कि ठीक नहीं हुई। बहुत बड़ी स्त्री है, उन्होंने मुझे यह गवाही बताई थी बाद में मुझसे जब मुलाकात हुई कि ऐसे ऐसे हुआ था। और उसके बाद कहीं किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना हो रही है, सब कुछ आजमा लिया तो ये भी आजमा लो, और वो वहाँ गई और ये उनके खुद की बताई हुई गवाही अपने शब्दों में, और उन्हें कहा जैसे मैं वहाँ गई
उससे पहले मुझे कोई होश कुछ अतपता चलता नहीं था, बस जहाँ बैठे हैं सो रहे हैं खा रहे हैं, एक ही जगह बैठी रहती थी सारे दिन 24 घंटे। तो वो जब वहाँ गई, उन्होंने बोला कि जब प्रार्थना हुई यीशु मसीह के नाम में, व्यक्तिगत रीति से उन्होंने अपनी आंखों से देख के बताया कि एक हाथ ऐसे आया और उसने ऐसे अंदर डाल के मेरे अंदर से एक चीज़ निकाल के बाहर फेंक दी और मैं इंस्टेंटली ठीक हो गई। और मैं यकीन करती हूँ कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, और मैं यकीन करती हूँ यीशु मसीह में ताकत है, और वो मुझे छुटकारा दिए। डॉक्टर ने नहीं दिया, किसी इलाज ने नहीं दिया, सब कुछ कर लिया जितने तरीके हो सकते दुनिया में, लेकिन ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई। लेकिन अफसोसजनक बात ये थी कि जिस वक्त उन्होंने मुझे ये बात बताई, तभी वो मसीह के पीछे नहीं थी, इतना होने के बावजूद। और मैं बहुत ही हैरानगी से मैं सुन रही थी कि ये खुद बोल रही हैं कि मसीह के नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य कि मेरे अंदर से निकाल दिया बाहर खींच के। लेकिन फिर भी दुनिया में, संसारिकता में, और वचन हमें बार बार क्या बता रहा है, प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे नम्र बन के रहो, हम्बल बन के रहो। कितनी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है कि कई बार हम चक्के भी देख लेते हैं, परख के भी देख लेते हैं, फिर भी शैतान खींच लेता है हमें फिर से। क्योंकि जब तक हम बीमार हैं, आप सब जानते हैं, बीमारी में, परेशानी में, सताव में प्रभु याद आ जाता है, और जब सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब बढ़िया बढ़िया हो जाता है, तो फिर संसारिकता में भूल जाते हैं हमने क्या प्रॉमिस किया था, क्या वायदे लिए थे। इसलिए प्रभु का वचन बार बार क्या बताता है कि पौलुस क्या कहता था, इसीलिए मेरे देह में कांटा दिया गया है ताकि मैं घमंड ना करने लगूं, भूल ना जाऊं, शैतान का दूत मुझे घूंसे मारता है, ये सब पौलुस बोलता था। हर एक की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं परेशानी और स्ट्रगल आती है, तब हम प्रभु को याद करते हैं। और कितना अच्छा हो कि हम उस घड़ी भी परमेश्वर को याद रखें जब सब कुछ अच्छा है, दुख में भी और सुख में भी, और वो आपको लीडरशिप के उस राह पर बहुत मजबूत बना के खड़ा करेगा। जब हम स्ट्रगल से गुजरते हैं तभी हम स्ट्रांग बन के खड़े होते हैं। अब आप खुद जानते हैं कि जब तक हम बीमार नहीं होते, परेशानी हम पे नहीं आती, तो हम बीमार के लिए दुआ भी नहीं कर पाते, वो पेशेंट ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं है। लेकिन जब मौत के बहुत करीब से निकले, खुद बिल्कुल लगा खत्म हो गए, सांस उखड़ने लगी और महसूस होता है ये होती है मौत, तब हम क्या तड़पने लगते, प्रभु मुझे चंगाई दे दो, जीवन दे दो, जीवन दे दो, बस मुझे सांसें मिलती रहे, बस मैं जीवित रहूं, बस मेरा इलाज खत्म हो जाए, इतना ही चाहिए मुझे। लेकिन जब चंगाई मिलती है, मुझे बस ये और दे दो, नौकरी और दे दो, वो भी मिलती है, बस शादी और दे दो, अच्छा वो भी मिल गया, संतान और दे दो, इस प्रकार कभी नहीं खत्म होने वाली लिस्ट बनी रहती है, बनी रहती है, बनी रहती है। और प्रभु जो लीडरशिप के लिए आपको इस्तेमाल करना चाह रहा था किसी और तरीके से, वो चीज़ आपके सामने से निकलती जा रही है और आप दूसरी चीज़ में फंसे हुए हो, दूसरी चीज़ में फंसे हुए हो। तो चक्की जब हम देखते हैं, परख के आप देखते हैं, खुद जाने कि मेरे उस अनुभव में क्या था, खत्म हो रहा था, मर रहा था, प्रभु ने मुझे जीवन दिया। और यीशु मसीह ने तो यहाँ भी कहा है जीवन दिया कि बहुतायत का जीवन पाओ, और वहाँ भी दिया अनंत जीवन की बहुतायत का जीवन पाओ। तो यीशु मसीह ने ये बात कही है, तो हम इस बात के लिए तैयार हैं, जैसे ये कह रहे हैं यीशु मसीह को कि इसको कहाँ से इतना ज्ञान आ गया, ये हमारे साथ तो रहने वाला मरियम का बेटा है, ये बड़े ही के परिवार करी है क्या। ऐसे ही आपको हमें भी कहते हैं, ऐसे यूसुफ को भी कहा था जब वो आत्मिक बातें करने लगा अपने भाइयों से कि प्रभु ने मुझे लीडरशिप के लिए चुना है, प्रभु ने मुझे ये विजन दिया है, जब वो बताने लगा, हम सब जानते हैं उसी के भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, उसी के भाइयों ने उसको बेच दिया गुलामी में। यहाँ भी यीशु मसीह बता रहा है कि आपके ही अपने लोग वो आपको आदर नहीं करेंगे शुरू में, जब आप आत्मिक बातों की चर्चा करें, ये वाली बात की कि आपको लीडर बना रहा है प्रभु, नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मान सकता क्योंकि हम इंसान है, सीमित बुद्धि है। लेकिन जब प्रभु के अनुग्रह में आते हैं तो वो रास्ते खोलता चला जाता है, और आपके शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है, अपमान के बदले दुगना आदर देने वाला परमेश्वर है। आखिरी में मैं ऐसी बात पे जाऊंगी जहाँ यीशु मसीह पे इतनी बात कही कि इसको ज्ञान कहाँ से आ गया, ये तो उसका बेटा है, ये तो फलाना है, और मसीह कह रहा है अपनी ही जगह पे आदर नहीं होता है, इतनी बड़ी बात। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो अपना स्वर्ग छोड़कर आया, कैसी नम्रता के साथ आया, गौशाला में, कैसे घर में आया,
कारपेंटर का काम करने वाले के घर में, जो खुद इतनी नम्रता का उदाहरण है, उससे हम्बल शुरुआत हुई यीशु मसीह की। और धीरे 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 जब सब उसके आत्मिक बातों को पहचानने लगे, सब ने सोचा शुरू में ये तो वो है, ये इतनी ज्ञान की बातें कैसे बोल रहा है। और आज आप सब जानते हैं यीशु मसीह का जो नाम है वैसा कोई नाम ही नहीं है दूसरा, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई अन्य नाम नहीं दिया गया है। आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार जिस नाम को है वो यीशु नाम है। ये सारी लोगों ने जितनी दुआएं मांगी, क्या कहते हैं, यीशु मसीह के नाम में चलने फिरने लग, सोना चांदी मेरे पास नहीं, यीशु मसीह के नाम में चलने लग, वो चलने लगे। शुरू में मैंने गवाही बताई, वो बिल्कुल अनएजुकेटेड आदमी जिसको कुछ ABCD भी नहीं पता, बाइबिल भी नहीं पूरी जानता, कुछ भी नहीं पता उसको, वो ने यीशु मसीह के नाम पे अपने जानवरों पे प्रार्थना की, वो चंगाई पा गए इंस्टेंटली यीशु के नाम की सामर्थ, क्योंकि उसने चक्के देखी विश्वास के साथ, ईमान के साथ, नम्रता के साथ, घमंड के साथ नहीं, चल जरा ये भी देखूं ट्राई करके कैसा है मसीह, है कि नहीं है, यूं है कि नहीं है। तो आपके अंदर जहाँ घमंड आ गया, नम्रता ही नहीं आई, तो प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा कैसे आ जाएगी जिस जगह दुष्टता की आत्मा बसी हुई है, वहाँ पे पवित्र आत्मा का निवास नहीं होता। तो हृदय को पवित्र करें, साफ करें, मसीह के काम को होने दें अपने जीवन में। और इनकरेज करने के लिए आखिरी में मैं बात यही बताना चाहूँगी, एक्ट्स में प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 16 और 18, 16 से 18, यहाँ पे पतरस वही बात को रिपीट कर रहे हैं जो योएल नबी ने भी कही थी। और वो ये बात है, योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूँगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिय स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूँगा और वे भविष्यवाणियां करेंगे। इतना बड़ा वायदा है यहाँ पर परमेश्वर का कि परमेश्वर ये कहता है कि मैं अंत के दिनों में ऐसा करूँगा, सब पर उंडेलूँगा। अब वहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं बता रहा है कि किस पे नहीं उंडेलूँगा, ऐसा बोला है क्या, जो ऐसा है वो उस पे नहीं उंडेलूँगा, जो ऐसा है वो ऐसा, लिस्ट सूची तो नहीं बना रखी। अंत के दिनों में सब पर उंडेलूँगा, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, जवान दर्शन देखेंगे, पुरनिये स्वप्न देखेंगे, दास दासियों पर भी उंडेलूंगा और वो भी भविष्यवाणी करेंगे। तो आप और हम तैयार रहें उस आत्मा के उंडेले जाने के लिए, उस अनॉइंटिंग के लिए, उस लीडरशिप के लिए, उस जर्नी के लिए जो प्रभु ने आपके लिए रास्ता तैयार किया, जो प्रभु ने आपके लिए मंजिल तैयार की है, और जो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ साथ चलूँगा, आगे आगे चलूँगा, मैं डर में तेरे साथ हूँ, तेरा दाहिना हक पकड़ के तेरे साथ चलने वाला परमेश्वर जो तेरे साथ हूँ, ना तो तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे अपना प्रिय पुत्र और पुत्री बना लिया है, मैंने तुझे अपना वारिस बना लिया है, मैं जाता हूँ कि तेरे लिए जगह तैयार करूँ, जो मैं करता हूँ तू भी करे, मैं तुझे एक सहायक देखे जाता हूँ। ये सारी बातें किसके लिए कही है प्रभु ने, किसी एक के लिए नहीं कही है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के लिए नहीं कही है, प्रचारक और इवेंजलिस्ट के लिए, सब के लिए कही है, पूरी मानव जाति के लिए। वो हमें सहायक दे के जाता है, आपको मुझे, वो हमारे लिए रास्ता तैयार करने के लिए जाता है, आपके और मेरे लिए। और जब वो ये आत्मा का दान हमें देगा जिसका उसने वायदा किया है, और जो वो कह रहा है जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे, आप भी लीडर बन सकते हैं, आप भी आत्मिक अगुवे बन सकते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने साथियों के लिए बने आत्मिक लीडर, आगे बढ़े उन्हें लेके चल के, एक को दो को, और एक भी बचाया जाता है अगर तो स्वर्ग में आनंद होता है। कितनी आनंद की बात, अपने बच्चों को आग बताते हैं, उनके तो लीडर बन सकते हैं, अपने भाई बहनों को तो बता सकते हैं, खुद तो समझ सकते हैं। और प्रभु कहता है कि शुरू करो, बस क्या बोलना है हमें, मैं हूँ प्रभु, मैं तैयार हूँ, और उसके बाद सारा काम परमेश्वर का है, आपका नहीं है। मूसा भी तो कह रहा था कि मैं जाऊंगा, मुझे आप लीडर बना रहे हो, मैं क्या बोलूंगा, मैं हकला हूँ। और प्रभु ने कहा मैं शब्दों को डालूंगा, फिर मूसा ने कहा मेरा कोई यकीन नहीं करेगा, प्रभु ने कहा ऐसे चमत्कार दिखाऊंगा कि चमत्कारों को देख के यकीन करेंगे लोग, बड़े बड़े सुपर नेचुरल मिरेकल्स। ऐसे ही परमेश्वर के लिए जब हम
तैयार होते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, चलने लगते हैं सीधे मन से हम उसके साथ, तो ना केवल वो आपके साथ चलता है, उसकी उपस्थिति आपके साथ साथ जाती है। काम करने वाले आप नहीं वो होते हैं, चंगाई देने वाला वो होता है, दुष्ट आत्मा छुटकारा देने वाला वो होता है, शैतान को भगाने वाला वो होता है, और वो आपके साथ चलता है, आपको छोड़ता नहीं है। उसके नाम को महिमा मिले, और उसकी सामर्थ्य से आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। तो आज के जरिए, इस कलाम के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे। इसी बात के साथ हम आखिरी में प्रार्थना में जाएंगे कि जैसे आखिरी के दिन में सबके ऊपर प्रभु ने आत्मा उंडेलने की बात कही है, जैसे कि पतरस के समय भी हुई थी पेंतेकुस्त के दिन में, और हम सबको वो गवाह बनाना चाहता है, पृथ्वी की छोर तक गवाह। कब बनेंगे? जब उसकी आत्मा से भर जाएंगे, और वो जब ऐसे नॉर्मल साधारण इंसानों को, मछुआरों को चुन सकता है, गड़ियों को चुन सकता है, भेड़ बकरी चराने वाले को चुन सकता है, मुझे भी चुन सकता है, आपको भी चुन सकता है, और ऊंचे स्थान पर लीडर बना के चलता है। तो मेरी प्रार्थना रहेगी आपकी इस लीडरशिप जर्नी में प्रभु आपके साथ रहे, वो आपकी अगुवाई करे, आप पहला कदम उठाएं उससे प्रार्थना करके, और वो आपको ऊंचे स्थानों पर रखेगा, लीडर बना के रखेगा। प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस जीवित वचन के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए रास्ता तैयार कर चुके हैं, क्योंकि आप वो काम कर चुके हैं जो आप वचन सलीब पे कहते हैं कि पूरा हुआ, वो उद्धार का काम पूरा हो चुका है प्रभु। हमें कुछ नहीं, बस आपके पीछे चलने की, चाइल्ड लाइक फेथ से आपकी उंगली पकड़ के चलने की जो ज़रूरत है। आज चाहते प्रभु हम अपने दिलों को खोल कर, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक के जीवन में काम हो प्रभु, एक एक को आप अपना अगुआ बना के खड़ा करें, एक एक की इस लीडरशिप जर्नी में आप उसके साथ होंगे, और वो आपको चख के देखे, परख के देखे, जान के देखे, जीवित परमेश्वर के साथ संगति करके देखे, और जाने वो दूर का नहीं, नज़दीक का परमेश्वर है, जो हमेशा हमारे मन के नज़दीक रहता है, जो कहता है मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, और जो मेरा स्वर सुन के खोलेगा आज मैं उसके साथ भोजन करूँगा, उसके घर में आऊँगा, यानी उसके साथ संगति करूँगा। वैसे ही प्रभु आपकी उपस्थिति, आपकी संगति इनके परिवारों पर बनी रहे, इनके जीवनों पर बनी रहे, और ये जहाँ जहाँ जाएँ आपकी आत्मा से भरपूर एक जिंदा गवाह बने प्रभु, आपके नाम को महिमा मिले। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं आप सबका, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, और मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आने वाले दिनों में प्रभु हम सबको, आपको, मुझे, हमारे परिवारों को, हमारे वंश को, एक एक को इस्तेमाल करे, एक आत्मिक अगुवा बना के इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच एक बार फिर आप सबका, ब्रदर मनोज साहू, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन में से बातें कर सकें। इस पेज को प्रभु बहुत आशीष दे, आपकी मिनिस्ट्री को बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।